आज हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीकेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंजेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्क एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्टर। यही पूरा पार्ट हमारा आगे का चैप्टर है। तो पहले अपने को ये वर्ड समझ में आ जाए, वर्ड समझ में आएंगे तो अपन उसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे कि हमें क्या ढूंढना है, हमें क्या दे रखा है। सबसे पहला वर्ड है कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब होता है एनी लाइन सेगमेंट। आई डिडंट यूज द वर्ड अ लाइन, आई यूज वर्ड लाइन सेगमेंट। लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है? लाइन जो है वो दोनों साइड से इंफिनिटी, हाँ मतलब कितनी भी लंबी हम कर सकते हैं, दैट इज लाइन। और लाइन सेगमेंट जो है वो एक फिक्स मेजरमेंट के साथ में होता है। तो कॉर्ड जो है वो हमेशा फिक्स्ड दो पॉइंट्स के ऊपर टच करती हुई नजर आएगी। ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, कॉर्ड 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 कॉर्ड। ऐसा नहीं कि बोले खाली ऐसा ड्रॉ करेंगे तो ही कॉर्ड होती है। कॉर्ड का मतलब विच टचेस द सर्कल ऑन टू डिफरेंट पॉइंट्स। दो अलग अलग पॉइंट्स पर जब एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करते हैं तो उसे हम लोग नाम देते हैं कॉर्ड। हाँ, इसमें एक बात जरूर है कि विच इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ये लॉन्गेस्ट इधर से भी वैलिड है और ये लॉन्गेस्ट इधर से भी वैलिड है, सेंटर से पास करता हुआ, तो डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ठीक, उसके बाद हमारे पास वर्ड आया सीकेंट। ठीक है, सीकेंट में हम लोग सिर्फ वर्ड यूज करते हैं लाइन। कॉर्ड में क्या वर्ड यूज किया? लाइन सेगमेंट। सीकेंट में हम लोग वर्ड यूज करेंगे लाइन। अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, अपन ने लिया और ऐसी एक लंबी सी लाइन खींच दी। ये लंबी लाइन नहीं पर ड्रॉ करी हो हमने, ये लाइन कहलाएगी सीकेंट। अब टेंजेंट, टेंजेंट का इस चैप्टर से लेना देना नहीं है, लेकिन जब सीकेंट पढ़ते हैं तो बाय डिफॉल्ट टेंजेंट पता होना चाहिए कि टेंजेंट का मतलब होता है कि विच टचेस द सर्कल ओनली एट वन पॉइंट एक्सटर्नली। इसलिए लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि इंटरनली अगर आप ड्रॉ करोगे तो वो तो दो पॉइंट पे टच हो जाएगा, है ना। एक्सटर्नली ही हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि हम उसे एक पॉइंट पर टच करें। ये हमारे पास ऑलरेडी एक चैप्टर है जिसमें हम पूरी टेंजेंट्स की डिटेल पढ़ेंगे कि ये एंगल 90 डिग्री बनाता है, ये वो सब कुछ, तो मैं उस डिटेलिंग पर नहीं जा रही। खाली वर्ड एक सीकेंट है, टेंजेंट, दोनों में हम लोग वर्ड यूज करते हैं लाइन। द लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू पॉइंट्स इज सीकेंट एंड विच इंटरसेक्ट द सर्कल ओनली एट वन पॉइंट इज कॉल्ड एज टेंजेंट। अंदर अगर आप ड्रॉ करोगे तो टच करना पॉसिबल नहीं है कि एक जगह टच कर जाए, एक जगह टच नहीं होगा, तो वो एक्सटर्नली ही ड्रॉ होता है, वो टेंजेंट है। उसके बाद में हमारे पास वर्ड आया आर्क। आर्क का मतलब जब हमारे पास में सर्कल है, सर्कल के पास में दो लाइन सेगमेंट है, ये दो लाइन सेगमेंट जहां पर टच हुए उसका सर्कल का आउटर पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज आर्क। क्या बोला मैंने? पहले सर्कल लिया, मैंने एक बड़ा लाइन खींच दी इधर, ये बन गई आपकी कॉर्ड, ये मैंने एक और बड़ी खींच दी। ये इसलिए बताते हो क्योंकि हमारे दिमाग में यही डायग्राम बैठा रहता है, तो जरूरी नहीं है यही डायग्राम आप बिठाए, डायग्राम चेंज कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये दो कॉर्ड्स ने जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उसका आउटर पार्ट, ये बाहर वाला हिस्सा, दिस इज कॉल्ड एज आर। तो व्हाट इज आर्क? आर्क इज अ पीस ऑफ सर्कल। ठीक है, क्या है आर्क? इट इज अ पीस ऑफ सर्कल, लेकिन ये सिर्फ बाहर वाला पार्ट है, इसका अंदर से कोई लेना देना नहीं है। जब किसी को हम लोग ये पूरा पीस ले लें, ऐसा समझ लो पिज्जा तो खाते ही हो सारे के सारे, है ना,
पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा जो होता है उसमें यहाँ पे हमारे पास नए नए पीसेस प्रेजेंट है, तो ये पूरा एक पार्ट, ये क्या कहलाएगा? सेक्टर। और ये वाला पार्ट जो है ये कहलाएगा आर्क। तो आर्क सिर्फ बाहर वाला हिस्सा कहलाता है, जब पूरा पीस हमने पिज्जा का तोड़ दिया दैट इज सेंटर। उसके बाद अभी अपन और पढ़ेंगे, पहले एक एक डेफिनेशन लिख लीजिए, पहले कॉर्ड की लिखिए, कॉर्ड की डेफिनेशन, अलाइन सेगमेंट, अलाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड एज क्वाड। इसी को कंटिन्यूएशन में लिख लो, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज डायमीटर। नेक्स्ट हम लिखेंगे सीकेंट। इट इज अ लाइन इट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल विच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एट टू पॉइंट्स। सीकेंट आपको ड्रॉ करना है, ऐसा लंबा ड्रॉ कर लो, दैट इज सीकेंट। पॉइंट टू पॉइंट ड्रॉ करोगे सर्कल के अंदर तो दैट इज कॉल्ड एज कॉर्ड। नेक्स्ट टेंजेंट। इट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल विच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल ओनली एट वन पॉइंट। नेक्स्ट आर्क। आर्क इज अ पीस ऑफ सर्कल दूसरी बात बेटा आर्क के लिए एक और पहचान है कि आर्क कहीं पर भी लिया जा सकता है, ये भी आर्क है ये भी आर्क है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस बाहर वाली लाइन जो होगी दैट इज कॉल्ड एज आर्क। यहीं पर एक फॉर्मूला लिखते हैं, लिखिए लेंथ ऑफ आर्क बोर्ड पर देखिए। ये हमेशा सेंटर से ड्रॉ होगा, ये हमारा सेंटर ओ, ये मैंने एक पॉइंट लिया ए, ये मैंने पॉइंट लिया बी, ये जो मैंने डार्कर लाइन करी दिस इज कॉल्ड एज आर। अब अपन लिखेंगे लेंथ ऑफ माइनर आर्क, आर्क का सिंबल ये जो हमने ऊपर ड्रॉ किया दिस इज कॉल्ड एज आर्क। अब मैंने एक वर्ड और ऐड कर दिया, मैंने वर्ड यूज किया माइनर। अगर माइनर है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मेजर भी होगा, तो पहले हम ये समझे कि व्हाट इज माइनर एंड व्हाट इज मेजर। तो माइनर आर के बी का मतलब ये वाला पार्ट जब हम लोग ले रहे हैं तो दिस इज माइनर, छोटा है। यही पर ए से लेके बी तक घूम कर आ जाओ, पूरा यहां से लेके यहां तक घूम कर आ जाओ तो दैट इज कॉल्ड एज मेजर आर्क ए बी। तो एक होता है माइनर आर्क, एक कहलाता है मेजर आर्क, जो छोटा हिस्सा है वो माइनर, जो बड़ा वाला पार्ट बचा दैट इज कॉल्ड एज मेजर। अब यहां पर ये बीच में कोई ना कोई एंगल बनाएगा,
दैट एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा. ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने पढ़ा है एंगल इज थीटा. वो थीटा आपको 30 डिग्री दिया हो, 45 दिया हो, 60 दिया हो, उनकी मर्जी, वो लोग जो भी थे. उसके लिए अपन लोग अभी कुछ भी ऐसा चेंज वो नहीं सोच रहे. जो भी दिया है मोस्ट कॉमन इज 60 डिग्री. सबसे ज्यादा जो दिया जाता है वो 60 डिग्री दिया जाता है, 30 डिग्री दिया जाता है. बाकी वेरिएशंस आर ऑलवेज देयर. अगर मैं ये पूरे सर्कल की बात करूं तो पूरे सर्कल का बाहर का हिस्सा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? सर्कमफ्रेंस. और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है, ये तो समझ में आ गया ठीक है. लेकिन मुझे पूरा सर्कल तो नहीं चाहिए, मुझे कौन सा चाहिए? इतना. दूसरी बात, जो पूरा सर्कल होता है उसका एंगल कितना होता है? 60. पता चलता है जब भी आपके पास में कोई एक लाइन है, ये भी छोड़ दो, एक लाइन है, ये जो एंगल है ये हो गया 180 डिग्री, नीचे वाला भी हो गया 180 डिग्री, तो पूरे सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री. इतना भी पता चल गया, वेरी गुड. तो टोटल मेरे पास कितना डिग्री है? 360 डिग्री. उसमें से जो आर्क मुझे चाहिए उस आर्क का एंगल कितना है? थीटा. हाँ, मैंने बोला कि 60 दिया जाता है बट मैंने लिखा थीटा ही है. तो फॉर्मूला क्या हो गया? माइनर आर्क ए बी इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. रटने की जरूरत नहीं है. आपके पास बाहर वाली लाइन है, सर्कमफ्रेंस है, 2 पाई आर हो गया. एंगल टोटल, हमेशा टोटलिंग नीचे होती है, आपके मार्क्स आउट ऑफ 100 आते हैं तो टोटल आप कहाँ लिखते हैं? नीचे. तो दैट इज 360 डिग्री. और जो एंगल आपको दे रखा है वो ऊपर, तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. कुछ लोग इसे चेंज करके बोलते हैं, तब ये बोला जाता है कि आप इस 2 को और इसको कट कर दो और अब आप आंसर लिखो थीटा अपॉन 180 डिग्री और पाई और आर. मैं ऐसा कम प्रिफर करूंगे क्योंकि मुझे इजी गोइंग याद यही रहता है कि जब आपको आर्क ढूंढना है तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लिखिए और थीटा अपॉन 360 कर दीजिए. अदरवाइज ये आपकी चॉइस है, ये भी एप्लीकेबल है, वो तो है ठीक है. अब मेजर आर्क की बारी बची, तो बचा हुआ कितना है? 360 माइनस थीटा. तो अगर मेजर आर्क पूछा जाए तो हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला केडेस 360 माइनस थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई. पता चलेगा क्योंकि अपने पास माइनर आर्क थीटा है तो बचा कितना? तो पूरा 360 है, उसमें से थीटा को माइनस कर दो. तो मेजर आर्क का फॉर्मूला हो गया 360 माइनस थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर. उसके बाद नेक्स्ट टर्म, अच्छा अभी लिखना है, पहले लिख लीजिए. सेक्टर के बारे में लिखेंगे, सेक्टर इट इज द रीजन बाउंडेड बाय, इट इज द रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियाई, आर ए डी डबल आई, बाय 2 रेडियाई एंड द आर्क, and the arc intercepted by them radii. ये हमारे पास एक रेडियस OA, ये हमारे पास दूसरा रेडियस OB और एक उनके बीच में आ गया R. तो दो रेडियाई और उनके बीच का जो भी आर्क आ रहा है वो ये पूरा पार्ट मिलकर कहलाएगा सेक्टर. ये मैंने आपको बोला कि पिज्जा का एक पीस जैसा नजर आ रहा है कि पूरा वो जो पीस हमने अलग किया दैट इज कॉल्ड एज सेक्टर ठीक. अब सेक्टर का पेरीमीटर कितना होगा? What is the
पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। डेफिनेटली अपने आप दिमाग लगाइए, पेरीमीटर का मतलब है बाहर की लाइन। बाहर की लाइन कौन है? OA। दूसरी लाइन कौन है? OB। और तीसरा क्या है? आर्क AB। डोंट से इट AB, इट इज आर्क AB। पूरा बोलोगे तो सही लिखोगे, है ना? तो हमारे पास हो गया OA प्लस OB प्लस आर्क AB। ठीक है, अब वो माइनर आर्क है हमें मालूम है, हम उसी की बात कर रहे हैं, इसलिए अपन स्पेसिफिकली माइनर नहीं लिखने जा रहे हैं, अपने को पता है यही कर रहे हैं अपन। तो OA क्या है? ये रेडियस ऑफ द सर्कल, एक होता है तो रेडियस, प्लूरल फॉर्म में रेडियस। तो इट इज आर प्लस ओबी इज ऑल्सो आर रेडियस। और आर के बी के लिए हम लोगों ने अभी फॉर्मूला लिखा कि वो जो आर के बी है उसकी लेंथ कितनी होती है, तो थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर। बढ़िया, समझ में आ गया आप लोगों को। अब आर प्लस आर इज 2 आर प्लस थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर। मेरी तरफ से ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें आपको चेंजेस क्या क्या करने हैं वो आप खुद देखिए। चेंज करना है बोले ठीक है, इसमें से हम 2R कॉमन निकाल देते हैं। इस 2R की जगह बचा 1 प्लस यहाँ पर बचा थीटा अपॉन 360 और यहाँ पर बचा 1। ये चेंज करना है वो आपकी चॉइस। मैं हमेशा आपको मेथड से समझाऊंगी कि आपको ज्यादा लर्न ना करना पड़े और आपको इजी गोइंग समझ में आए कि हाँ भाई हमें पेरीमीटर ढूंढना है। तो आर प्लस आर प्लस आर कॉस ए बी, तो ये वाला अपन ने लिखा, सबकी वैल्यू डाली और हमारे पास फॉर्मूला तैयार हो गया। रटो मत, लिखो। ऐसे ही जब हम लोग एरिया की बात करेंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर हमें ढूंढना है। अब एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पता है? इट इज पाई आर स्क्वायर। लेकिन सेक्टर कब बना? जब दो रेडियाई किसी एंगल पर आए। तो वापिस हमने क्या लिखा? थीटा अपॉन 360। ठीक है, उस 360 के ऊपर डिग्री लिखना वरना गड़बड़ करोगे। थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 और पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो दो फॉर्मूलेस हो गए आपके पास, दोनों लिखिए। एरिया वाले फॉर्मूले को अगर मुझे थोड़ा सा चेंज करना हो और मुझे एक ऐसी रिलेशन निकालनी है जिसमें मेरे पास में आए एरिया ऑफ सेक्टर और यहाँ पर कहीं पर लेंथ ऑफ आर्क वर्ड आ जाए, ये जो अपने ढूंढा था अभी इससे पहले लेंथ, वो वर्ड आ जाए, ला सकते हैं हम कुछ चेंजेस करके? इन्हें पता नहीं मैम, आप ही बता दो। चलिए, लेंथ ऑफ आर्क अभी अपन ने फॉर्मूला लिखा, इट इज थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर। ठीक है, अब इस वाले को इस वाले से कंपेयर करिए। यहाँ थीटा अपॉन 360 है, यहाँ भी थीटा अपॉन 360 है, यहाँ पर पाई और आर्क है, यहाँ पर भी पाई और एक आर्क है। लेकिन गड़बड़ क्या है? यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर वो 2 प्रेजेंट नहीं है। क्या करें? तो बेटर है कि हम इसको यहाँ पे कट कर दें। कितना हो गया? थीटा पाई आर अपॉन 180। ऐसे समझ में आता है तो ऐसे कर लो। ये नहीं कि अरे नहीं मैम हम तो काटा पीटी नहीं करेंगे, हमें तो यही अच्छा लग रहा है, हमें तो यही याद हो गया। तो अब क्या करें? थीटा अपॉन 360, ओके, ये पाई की जगह पाई, ये आर की जगह आर, एक आर हमारे पास बचता है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर ऊपर 2 है और यहाँ नीचे 360, तो क्या करें अपन इसको 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा पूरा का पूरा लेंथ। पूछ के देख रहे हैं मुझे कि पता ही नहीं चला क्या हो गया। ओके, उल्टी कहानी गिनते हैं, ये वाली कहानी से शुरू करते हैं। हाफ लेंथ की जगह
बोलो थीटा अपॉन टू पाई आर, ठीक है। और आर ये रहा, ठीक, ये टू और टू कट कर दो, क्या बचा, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर बचा ना, एरिया का फॉर्मूला यही होता है, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। उसी को अपन ने चेंज कर दिया, उसकी जगह अपन ने वर्ड एल और आर के टर्म्स में डाल दिया, तो एरिया इज इक्वल टू हाफ एल इनटू आर। आर तो आपको समझ में आ गया कि ये बचा हुआ है, खाली ये इश्यू आपको नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ ऊपर टू है तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, नीचे टू ले लिया, तो अपने पास में मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय टू का कॉन्सेप्ट यहाँ पर चले। लिखिए नहीं पता चलता, और एक स्टेप बताते हूँ, कुछ नहीं किया बेटा मैंने, थीटा इंटू थ्री थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मैं बता देते हो, इट इज मल्टीप्लाइड बाय टू एंड डिवाइड बाय टू, कैसे समझ में आएगा, एक टू से इसको कट कर दो, कितना बचा, नहीं क्यों कट दो, कट करने वाला तो हम सोच ही नहीं रहे, कट नहीं करेंगे, क्या करना है, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360, टू पाई आर, इन सबकी जगह क्या आ गया, एल, ये वाला एक आर बचा वो ये रहा, और ये जो टू है वो मैंने यहाँ लिखा वन बाय टू। तो कुछ भी नहीं किया अपन ने, अपने पास जो फॉर्मूला था सेक्टर का उसे मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय टू किया, मल्टीप्लाइड बाय टू करते ही सारी चीजें जो है वो हमने एल के टर्म्स में कर दी, एक आर ऊपर बच गया और एक टू नीचे बच गया, तो फूली अभी बच गया। नेक्स्ट लिखिए सेगमेंट, नेक्स्ट हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे सेगमेंट की, बस ये लास्ट है इस चैप्टर में, इतने ही फॉर्मूलेज अपने को करना है, लेंथ ऑफ आर्क, उसके बाद में पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, और दिस इज सेगमेंट। तो व्हाट इज सेगमेंट, पहले इट इज द पार्ट ऑफ सर्कल It is the part of circle bounded by a chord and the arc ये हमारा सर्कल, ये इसका सेंटर, ये इसके दो रेडियाए जो अपन ने नाम दिया था ए बी, ये हो गया इसका आर्क, यहाँ तक तो सब कंप्लीट हो गया, OAT को हमने नाम भी दे दिया, इट इज कॉल्ड एज सेक्टर। अब एक नई चीज लाए हम, हमने A और B एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी, तो ये जो AB कॉर्ड है और AB जो आर्क है, AB कॉर्ड और AB आर्क, इसके बीच का ये जो शेडेड रीजन है, दिस शेडेड रीजन इज कॉल्ड एज सेगमेंट। तो ड्रॉ भी करिए, पता भी चलेगा आपको, और फॉर्मूला कैसे लेकर आएंगे, फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। बोर्ड पे सेक्टर है ओ ए और बी, ये पूरा